महाराष्ट्र के नासिक में शनिवार सुबह एक भीषण हादसा हो गया। बस और आयशर ट्रक के बीच में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसकी वजह से बस में भयानक आग लग गई। देखते ही देखते 20 मिनट के अंदर ये बस धू धू कर जलने लगी और बस में सवार 11 लोग जिंदा जल गए। इसके अलावा 38 यात्री जख्मी हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हादसा नासिक औरंगाबाद रोड पर नंदूर नाका के पास में हुआ है। बस यवतमाल से मुंबई जा रही थी। चिंतामणि ट्रेवल की बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। इस हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि घायलों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। हादसा शनिवार की सुबह 4:30 पर हुआ है। दुर्घटना के वक्त कोई प्रत्यक्षदर्शी मौजूद भी नहीं था, लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड के अफसरों को साक्ष्य मिले हैं। उससे लगता है कि ट्रक की डीजल से बस में आग लगी है। दरअसल हादसे के बाद बस और ट्रक के बीच की दूरी 50 मीटर थी। जोरदार टक्कर के बाद ट्रक के डीजल टैंक में ब्लास्ट हुआ था। इसलिए माना जा रहा है कि डीजल टैंकर के ब्लास्ट होने के बाद इससे निकला डीजल बस पर गया और बस में भयानक आग लग गई। दोनों के बीच करीब 90 डिग्री में टक्कर हुई थी। इस भयानक हादसे में एक बच्चे सहित 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 38 यात्री जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।